वेलकम टू टेक 2.0 यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि वोडाफोन के नेटवर्क या जियो के नेटवर्क किसी में भी इंटरनेट काम करना बंद कर देता है विदाउट एनी रीज़न। आपका पैक होता है, आपका जीबी होता है जो कि मतलब ख़त्म नहीं होता है, फिर भी काम करना बंद कर देता है। तो उन सब सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? पहले तो है, आप कहीं से भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर उनको कॉल करके या फिर इंटरनेट से आपको क्या करना होगा, एक अल्टरनेट APN जो है वो फाइंड करना होगा। और यहाँ पे मैं एक वोडाफोन का जो अल्टरनेट APN होता है, तो पहले आप जाएंगे उसके सिम सेटिंग पर, और सिम सेटिंग पर जाके एक्सेस पॉइंट पर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यह डिफ़ॉल्ट APN होता है तो इसमें आपको एक अल्टरनेट APN डालना होता है। तो एक वोडाफोन का अल्टरनेट APN मैं सेट करूँगा अभी। तो इसके लिए आपको नेम देना है VI Internet 4G, अच्छा नाम हो गया। APN देना है VI Net Speed, ओके। उसके बाद पॉक्सी आपको नॉर्मल रखना है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अभी जो MMSC है, AMCC, इसको 4.0 सब रखना है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको पैप और चाप जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद APN टाइप आपको कुछ नहीं करना है, APN प्रोटोकॉल इसमें ही रहने देना है, IPv4/IPv6, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल भी सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बैरियर अनस्पेसिफाइड रहेगा, और जो है ये और कुछ नहीं करना है। MMS पोर्ट भी कुछ नहीं करना है, पॉक्सी भी सर्वर जो है इसमें भी कुछ नहीं करना है। अच्छा, बैरियर में जो है उसमें आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, आप सबको क्लिक कर दीजिए, फिर ओके। ये हो गया आपका एक्सेस पॉइंट सेट, और सेव चेंजेस कर देना है, और इसको APN हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब नेटवर्क आपका एक बार रीसेट होगा, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं इंटरनेट स्पीड को। यहाँ पर डालूँगा मैं इंटरनेट स्पीड, यहाँ पर रन टेस्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस APN में भी इंटरनेट ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट APN होता है उसमें अगर आपका इंटरनेट में कोई इशू होता है तो आप ये अल्टरनेट APN सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।